नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल बिहार बोर्ड न्यू अपडेट में। दोस्तों, बिहार बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। बिहार बोर्ड इंटर का परीक्षा जो भरी से होने वाला था, वह परीक्षा का डेट में बदलाव किया गया है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा में क्या बदलाव किया गया है, यह परीक्षा अब कब ली जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए पहली बार आए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम बिहार बोर्ड से संबंधित हर नोटिफिकेशन आप लोग के बीच लेकर आते रहते हैं। और यदि आप लोग कक्षा 10वीं और 12वीं के आर्ट्स के सभी विषयों की तैयारी बिल्कुल आसान तरीकों से हिंदी माध्यम द्वारा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एक नया चैनल चलता है, जिस चैनल का नाम है TK कोचिंग सेंटर। तो यदि आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हमारे इस TK कोचिंग सेंटर चैनल को जाकर के ज्वाइन करें, उस पर आप फ्री कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बिहार बोर्ड इंटर का जो परीक्षा था वह अब 1 फरवरी से शुरू होगी। यह परीक्षा 2 फरवरी से होना निश्चित किया गया था, लेकिन अब जो है इस समय में, इस टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। अब 2 फरवरी के बजाय इंटर का परीक्षा जो है 1 फरवरी से शुरू किया जाएगा। इंटर की यह वार्षिक परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होगी और 13 फरवरी तक चलेगी। और दोस्तों, इस परीक्षा का अब नया टाइम टेबल भी जारी हो चुका है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि यह परीक्षा 2 पाली में ली जाएगी और किस दिन किस विषय की परीक्षा होगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो प्रथम पाली में 1 फरवरी को फिजिक्स की परीक्षा ली जाएगी, वहीं द्वितीय पाली में राजनीतिक शास्त्र और हिंदी की परीक्षा ली जाएगी। 2 फरवरी को गणित की परीक्षा ली जाएगी प्रथम पाली में, और सेकेंड पाली में ज्योग्राफी की परीक्षा ली जाएगी। 3 फरवरी को केमिस्ट्री की परीक्षा ली जाएगी फर्स्ट सिटिंग में यानी कि प्रथम पाली में, और वहीं सेकेंड सिटिंग में यानी कि द्वितीय पाली में अंग्रेजी की परीक्षा ली जाएगी। वहीं 4 फरवरी को फर्स्ट पाली में जो है अंग्रेजी की परीक्षा ली जाएगी और सेकेंड पाली में जो है इतिहास की परीक्षा ली जाएगी। वहीं 5 फरवरी को बायोलॉजी की परीक्षा ली जाएगी फर्स्ट सिटिंग में, और सेकेंड सिटिंग में हिंदी की परीक्षा ली जाएगी। वहीं 6 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग में हिंदी की परीक्षा ली जाएगी और सेकेंड सिटिंग में इकोनॉमिक्स की परीक्षा ली जाएगी। और 7 फरवरी को छुट्टी रहेगा। वहीं 8 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग में एग्रीकल्चर की परीक्षा ली जाएगी और सेकेंड सिटिंग में साइकोलॉजी और इंटरग्रेशन की परीक्षा ली जाएगी। वहीं 9 फरवरी को उर्दू भोजपुरी अनिवार्य विषय की परीक्षा ली जाएगी और सेकेंड सिटिंग में फिलोसफी की परीक्षा ली जाएगी और इकोनॉमिक्स की परीक्षा ली जाएगी। वहीं 10 फरवरी को NRB ओल्ड वोकेशनल के लिए NRB की परीक्षा ली जाएगी और सेकेंड सिटिंग में म्यूजिक अकाउंटेंट कोर्स की परीक्षा ली जाएगी। वहीं 11 फरवरी को मातृभाषा सोशोलॉजी की परीक्षा ली जाएगी फर्स्ट सिटिंग में, और फिर 12 फरवरी को कंप्यूटर साइंस की परीक्षा ली जाएगी और सेकेंड सिटिंग में होम साइंस की और अकाउंटेंसी की परीक्षा ली जाएगी। वहीं 13 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग में एक्स्ट्रा अकाउंटेंट की परीक्षा ली जाएगी। और इस वीडियो में हम एक बात आप लोग से एक और शेयर करना चाहते हैं। देखिए, अब जो है डमी एडमिट कार्ड में सुधार का टाइम 5 नवंबर तक दिया गया था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 12 नवंबर तक कर दिया गया है। यदि आप लोग के डमी एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उसमें जो सुधार जो है आप 12 नवंबर तक कर सकते हैं। यदि आप लोग अभी तक अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके चेक नहीं किए हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, वहां से जाकर के आप लोग अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और अपना डमी एडमिट कार्ड में चेक कीजिए कि क्या गड़बड़ी है। यदि गड़बड़ी है तो उसका सुधार जो है 12 नवंबर तक किया जाएगा। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।